सततं कीर्ति यन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात जो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता है ऐसा भक्त को मैं भूलता नहीं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का ये 14वां श्लोक भक्त की महिमा को दर्शाता है। सनातन धर्म में कई महान भक्तों का जिक्र आता है। उनमें से एक भक्त ऐसे भी है जो किसी भी पूजा पद्धति को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो कार्य किया जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, जिससे ये बात साबित होती है ईश्वर केवल भक्त के भाव देखते हैं, पूजा पद्धति नहीं। ऐसे ही एक भक्त कन्नपा, वो मूल रूप से एक तमिल भील परिवार में जन्मे थे। इनका पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उड्डुपुरा था। दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में भक्त कन्नपा का बहुत सम्मान है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक है जिन्हें नए नार कहा जाता है। कन्नपा एक व्याध थे जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वे जन्म में भी उनके भक्त बने। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में अर्जुन ही कन्नपा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कन्नपा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहाँ उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जिन मंदिर दिखा। जब वे इस मंदिर में अंदर गए, उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शन से ही कन्नपा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उसके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें महादेव अपने बुजुर्ग की तरह दिखाई दिए। तब उन्होंने सोचा कि शिव जी को कुछ खाने और पीने के ही बंदोबस्त किया जाए। ये सोचकर वे जंगल गए और एक सुकर का शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय ना था, उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। ये सारा सामान लेकर जब वो मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर है। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि शास्त्रीय विधि से उनकी ये पूजा पद्धति उचित नहीं थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया। महादेव भी केवल भाव के भूखे थे। उन्होंने प्रसन्न मन से कन्नपा का प्रसाद स्वीकार किया, जिसके बाद ये कन्नपा का रोज का कार्य हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कूले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगा। जंगल में एकांत में स्थित इस मंदिर में महादेव की पूजा करने के लिए एक पुजारी भी आते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्हें प्रतिदिन मंदिर में मांस के टुकड़े मिलने लगे। वो बड़े दुखी हुए
और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो पता करें कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है। यही सोचकर वो रात को वहाँ रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहाँ आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कूले से उनके अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने से छिपकर ये देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा। वो तो समझ गए कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उनका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीज़ों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वो पुजारी भी महादेव की भक्त है, इसीलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए उन्होंने लीला रची। कन्नप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा है। अपने आराध्य की ऐसे दशा देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छुपकर सब देख रहे उन पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अब सही कन्नप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कन्नप्पा दुख के मारे रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आंख निकालकर शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। उससे रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कन्नप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसीलिए उसने अपने दूसरे नेत्र भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएगा? ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा, ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कन्नप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण पुजारी भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कन्नप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया है कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धन हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे।
उदय इंडिया डिजिटल पर इसी प्रकार के सनातन धर्म संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।